शरीर की रचना उस परम पिता परमेश्वर की तरफ से ऐसी की गई है कि हम कितने भी नकम्मे हों, हम कितना ही गलतियां करें, फिर भी वो बनाने वाले इस शरीर को हमें किसी ना किसी तरीके से इस पृथ्वी के ऊपर रखना चाहते हैं, अधिक से अधिक समय के लिए और कम से कम तकलीफ के साथ। इतना इतनी बड़ी कृपा है उस परम पिता की, कम से कम तकलीफ के साथ ज्यादा से ज्यादा समय तक हमें यहाँ रखने के लिए ये प्रबंध किया गया है कि भाई इसको सूचना दे दी गई है, तैने गलती कर ली। जैसे हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग करते हैं, बता देते हैं तुम गलत कर रहे हो, लेकिन जब हम गलती करते रहते हैं इसके बावजूद वो हमें सहयोग करते हैं, घर से बाहर नहीं निकालते हैं। तो गलती हो गई, इसको बता भी दे दिया गया कि गलती हो गई, मगर अब ये व्यक्ति दिन भर अपना काम करता रहे, अब ये चिल्लाए ना, अब ये रोए ना, इसलिए हमारा यहाँ से लेकर नीचे तक के अंदर के सिस्टम को साइलेंट कर दिया गया है। वहाँ जो भी तकलीफ होती है उसकी सूचना हमारी नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन को नहीं मिलती है। फिर ऊपर वाला सोचता है कि इसको समझाना तो जरूरी है, किसी ना किसी तरीके से तो समझाऊं। जब वो भोजन लगभग 18 घंटे बाद, ध्यान दीजिए ये सब करते हैं हम और आप, देख लेना, आप देख लेना, अनुभव कर लेना, वही वो शादी वाला भोजन, वही वो रेस्टोरेंट वाला भोजन 18 घंटे बाद लगभग जब वो बाहर निकलता है गुदा द्वार के द्वारा, एनस के द्वारा, तो फिर वहां पर भी कुछ सूचना मिलती है कि आपने गलत किया था, कुछ जलन होती है। आप सहमत हैं? क्यों? वो इसलिए होती है, उसको भी साइलेंट कर दिया जाता, उसको भी खामोश कर दिया जाता। वो इसलिए होती है, हमारा शरीर ये बताना चाहता है कि जो गलती तुमने 18 घंटे पहले की थी उसके लिए मैं 18 घंटे तक रोया, मैं 18 घंटे तक ऐसे तड़फा, अब आगे के लिए ऐसा मत करना। मैंने क्या कहा? हम दवाई से इलाज नहीं करते हैं, किसी भी किस्म की दवाई नहीं देते हैं, अंदर के अंगों को आराम देते हैं। आराम देने से इलाज होगा, किसी दवाई से किसी रोग का इलाज नहीं होता। जब हम अंदर के अंगों को आराम देंगे, इस तरह का भोजन लेना बंद करेंगे, हम खरबूजा खाएंगे, तरबूज खाएंगे, सादा भोजन खाएंगे, ऐसा भोजन लेंगे जो अंदर के अंगों पे मल्लम लग जाए। हमने जितनियां गलतियां करी हैं वो सब माफ हो जाएं। तो जैसे हड्डी को प्लास्टर लगाने से, आराम देने से हड्डी जुड़ जाती है, ऐसे अंदर के अंगों को खास तरीके से आराम देने से, पेट से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। हम घुटनों को तंग करते हैं, टखनों को तंग करते हैं, एडी को तंग करते हैं, हमारे घुटने टखने एडी ये शिकायत करती है, मैं बिना जरूरत का अधिक वजन ढो रहा हूं, इसको कम कीजिए, बहुत झेल लिया मैंने, पिछले 30-40 साल से आपका सहयोग कर रहा हूं, अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, हमारे अंग कहते हैं, अब मेरे में उतनी ताकत नहीं रही है,
अब सहने की शक्ति भी नहीं रही है, अब संभल जाओ, हमारी कमर कहना चाहती है हमें, जो कहते हैं डिसलोकेशन है, हमारी कमर हमें कहना चाहती है कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं, एक तरफ वजन बहुत ज़्यादा हो 20 किलो, एक तरफ बिल्कुल ना हो, तो साइकिल चलाने वाले की हालत खराब हो जाती है। ठीक ऐसे ही रीढ़ की हड्डी का काम है शरीर को सीधा रखना। अगर शरीर का एक तरफ वजन ज़्यादा हो जाए, या एक तरफ आगे की तरफ वजन ज़्यादा हो जाए, या पीछे की तरफ ज़्यादा हो जाए, तो रीढ़ की हड्डी का काम बढ़ जाता है। शरीर कहता है, हमारी रीढ़ की हड्डी ये कहती है, मेरे भार को कम करो, मेरे काम को कम करो, मेरे को आराम दीजिए। हम अपने शरीर के अंगों को कितना तंग करते हैं। कुछ लोग कहेंगे, मेरी कमर में दर्द है, मेरा तो वजन भी ज्यादा नहीं है। राइट पोस्चर, जब भी बैठे सीधे बैठे, हम या तो झुक के बैठते हैं आगे की तरफ, या पीछे की तरफ, या हम नर्म गद्दों पे लेटते हैं, सर हल्का होता है, टांगे हल्की होती हैं, बीच का हिस्सा थोड़ा भारी होता है, रात भर झूले में लेटे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के रोग लगते हैं। हम अपनी चमड़ी को तंग करते रहते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, जितने भी साबुन शैम्पू हैं, ये चमड़ी को कितना तंग करते हैं। हमारी चमड़ी में से हर समय एक सीबम नाम का तेल निकलता है, सीबाइकम सीबम, दोनों शब्द बोले जा सकते हैं। वो चमड़ी को सुरक्षित रखने के लिए है, ताकि चमड़ी में कोई खुश्की ना हो जाए, वो कुदरती तेल शरीर में से निकलता है। जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तो सफाई तो हो जाती है निश्चित रूप से। उस सफाई के साथ साथ वो तेल जो चमड़ी को सुरक्षित रखने के लिए है, वो भी निकल जाता है, फिर चमड़ी रोग लगते हैं। हम किसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विरोधी नहीं हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ जो कहा जाता है, हम उसी बात को कुछ और रूप में कहना चाहते हैं। कहा जाता है आजकल, शुगर होने के बाद चीनी छोड़ दीजिए, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद नमक बंद कर दीजिए, ऐसा कहा जाता है। हार्ट अटैक होने के बाद घी तेल बंद कर दीजिए, चमड़ी रोग लगने के बाद साबुन लगाना बंद कर दीजिए, कमर का दर्द होने के बाद हार्ड बेड पे लेटिए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब पहले ही क्यों नहीं, व्यक्ति का सत्यानाश होने के बाद ही सलाह क्यों मिलती है हमें? कहाँ हम गलती करते हैं? हमारी घर गृहस्थी के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर शामिल है कि हम हमेशा, हमारे पास रुपया पैसा कितना ही हो, रुपया पैसा कितना ही हो, हमारे स्वभाव में शामिल है कि हम बचत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति को 10,000 रुपये महीने की आमदन है, दूसरे व्यक्ति को 1,00,000 रुपये की आमदन है। अगर दोनों व्यक्ति कहीं से कोई फल खरीदें और वो 20 रुपये किलो मिल रहा हो, ज़्यादा आमदन वाला ये नहीं कहता, मेरे से तो 25 रुपये रेट ले लो, मेरी आमदन ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं होता।
हमें कहीं से कोई पढ़ाई लिखाई भी इस बचत करने के लिए नहीं करनी पड़ती। हमारे स्वभाव में ऐसा शामिल है कि हमारे पास रुपया पैसा कितना ही हो, हमेशा बचत करते रहते हैं। इस स्वभाव का लाभ क्या होता है कि कभी भी हम बैंकरप्ट नहीं होते, कभी भी हमारा दिवाला नहीं निकलता, हम पूरी तरह अपना जीवन यहाँ से व्यतीत करके चले जाते हैं। हमें खाने पीने पहनने के लिए जो चाहिए वो जीवन भर मिलता रहता है। ऐसे ही हमारा शरीर, अब यहाँ पर हम कहाँ गलती करते हैं, हमारा शरीर प्राण शक्ति द्वारा संचालित है। ये हमें जैसे मोबाइल फोन की बैटरी मिलती है नहीं, ऐसे जन्म के साथ प्राण शक्ति का एक कोटा मिलता है, भंडार मिलता है। और ये शक्ति जैसे बैटरी प्राणी होती जाती है, उसके द्वारा काम कम बनते हैं, ऐसे शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इससे भी काम कम बनते हैं। उम्र के साथ हर तरह की शक्ति कम होती चली जाती है। छोटी उम्र में जब हम युवावस्था में होते हैं, हमारे में शक्ति ज्यादा होती है। अब जब हम युवा अवस्था में होते हैं, शक्ति ज्यादा होती है। अगर हमारे घर के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को बोलें कि आप समोसा मत खाओ, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हम देखते हैं युवा अवस्था में हम दो समोसे खाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बड़ी उम्र में आधा समोसा खाते हैं तो खट्टे डकार लेते हैं। अगर बड़ी उम्र वाले बच्चों को बोलते हैं तो फिर पीछे से आवाज आती है, इनकी तो उम्र है, इनको तो खाने दो, आप सफेद बाल वाले परहेज करो। मतलब क्या, इनका अभी दिवाला नहीं निकला है, इनके पास प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में है, इनको बेकार में बर्बाद करने दो, आपका दिवाला निकल गया, आप बचत करो और इनका दिवाला निकलने का इंतजार करो, ये जब दिवाला निकल जाएगा उसके बाद बचत करनी शुरू करेंगे। हमारे शरीर की ये हालत है। अगर हम रुपए पैसे के मामले में पहले पूरे पैसे को नष्ट कर दीजिए गलतियां कर करके, दिवाला निकल जाए, पैसा ख़त्म हो जाए, लोगों का कर्ज हो जाए, उसके बाद बचत करनी शुरू करेंगे तो क्या हालत होगी मेरे समाज की, जरा कल्पना कीजिए। क्या हालत होगी इस समाज की, जरा कल्पना कीजिए। शरीर की यही हालत है। शरीर का दिवाला निकलने के बाद परहेज किए जाते हैं, शरीर का हार्ट अटैक होने के बाद फिर कच्चे सलाद खाए जाते हैं, फल खाए जाते हैं। जिन बातों को हम कहते हैं पहले मान जाओ, उन बातों को शरीर का सब कुछ लुट जाने के बाद माना जाता है, तो जैसे समाज की हालत बिगड़ जाएगी, तब अगर सारे व्यक्ति दिवाला निकलने के बाद बचत शुरू करेंगे, ऐसे आज समाज की शरीर को लेकर हालत बिगड़ी हुई है, क्योंकि सारे व्यक्ति शरीर का दिवाला, मतलब एक दर्जन बीमारियां लगने के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ आके सुनते हैं और मानने का प्रयास करते हैं। अगर हम बचपन से इस विद्या को अपना लें, उम्र कोई भी हो, आप जब से भी इसको पहली दफा आपने सुना है, अगर तभी से इसको अपना लें तो कभी भी आपको जीवन में रोग नहीं आएगा। जो आ चुके हैं वो बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। डरना मत, मैं जो भी बोल रहा हूँ अनुभव से बोल रहा हूँ। पिछले लगभग 15 साल से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, गुरुदेव जी की मेरे ऊपर कृपा हुई है। मैं ऐसा देखता हूँ जो व्यक्ति मेरे संपर्क में 10-12 साल पहले आए, उन्होंने इसी तरह सुना जैसे आप सुन रहे हो। सुनने के बाद
बात को आई गई कर दिया, कुछ ऐसा सोचा खाओ पियो मौज करो। और वो व्यक्ति मेरे संपर्क में भी थे, मैं उनको जानता भी था। 10 साल बाद अचानक फोन आता है, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप आजकल वही हो जहाँ आपका कोई निवास स्थान बदल गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ आइए। आने के बाद मैं पूछता हूँ, आप 10 साल पहले मेरे को मिले थे, 10 साल पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे जीवन जियो, तो 10 साल आप कहाँ रहे? कहते उन बातों को छोड़ दीजिए, उस टाइम मैं ठीक ठाक था। मेरे को लगा कि क्या जरूरत है इन बातों की। अब उसके बाद रोग भी आ गया, फिर उसके बाद 10 साल तक बहुत जगह उसको ठीक करने का प्रयास भी कर चुका हूँ। जब मैं सभी जगह से थक गया तो फिर जो 10 साल पहले आपने इस शरीर के अंदर बीज बोया था वो अब अंकुरित हो गया। अब मेरे को समझ आ गई कि वहीं जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए ध्यान देना, आप आज जागना या ना जागना, लेकिन आज का जो बीज आपके अंदर चला गया, ये कभी ना कभी जब सारे रास्ते बंद होंगे, जब कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, आज का बीज ये अंकुरित होगा। ये मेरे हाथ में नहीं है कि ये आज ही अंकुरित हो जाए। पृथ्वी में बीज डालने के बाद अंकुरित तो नेचर कुदरत करेगी, वो पृथ्वी के अंदर क्या है वो करेगा। बीज डल चुका है, ये आपके हाथ में है कि आप आज मानिए, साल बाद मानिए, 4 साल बाद मानिए। एक दफा अगर गुरुदेव जी का ये विचार आपके दिमाग में चला गया, ये आज का समय आपका बेकार नहीं जाएगा। नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा 4 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स बी योर ऑन डॉक्टर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप इस जीवन शैली को अपनाकर अपने अधिकतर रोगों से मुक्त हो सकते हैं और इसका आश्चर्यचकित लाभ केवल 4 दिनों में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए निकालिए जीवन के केवल 4 दिन। कोर्स की विशेषताएं: आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी और नेचुरल लाइफस्टाइल की टीम के साथ रहने का मौका, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए भोजन का रसास्वादन, टोना, पट्टी, स्पाइनल टब बात, सन बात, प्राणायाम इत्यादि का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप काउंसलिंग द्वारा तनाव मुक्त एवं प्रसन्न चित्त जीवन। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निःशुल्क कक्षा में भाग लें। निःशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 11085। हमारे फोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09-9537-22272।